अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बनारस में बाढ़ की स्थिति कम हुई है, गंगा का जल स्तर लगातार कम हो रहा है। ऐसे में जहां काशी वासियों को बाढ़ से मुक्ति मिली है, वहीं बीमारियों ने दस्तक दी है। पूरा हॉस्पिटल मरीजों से भरा हुआ है। आइए डॉक्टरों से जानते हैं कि किस तरह के पेशेंट इस समय ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बनारस में बाढ़ खत्म होने के बाद वायरल फीवर और कौन सी बीमारियां उभर के आ रही हैं, लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है? अभी जो हमारे पास मरीजों की संख्या बढ़ी है, वो वायरल फीवर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और करीब 450 पेशेंट जो आ रहे हैं, उसमें से अधिकतर पेशेंट हमारे वायरल फीवर के हैं। ज़्यादा देखे बुखार आ रहा है, बदन पे रैशेज हो रहे हैं या गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाले हैं, जहाँ पे कि डायरिया है या वॉमिटिंग है, इस तरह की फीचर्स के संग में पेशेंट इस समय हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। सर, इन पेशेंट में सबसे ज़्यादा लक्षण किस बीमारी के आ रहे हैं, डेंगू में? वायरल फीवर में तो वायरल फीवर जो है वो ज़्यादा देखे बुखार आएगा, बदन में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, शॉक भी हो सकता है कभी कभी, तो इसमें नहीं है। डेंगू एक 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 खास बीमारी जहाँ पे कि हम उसका टेस्ट करके कंफर्म करते हैं कि डेंगू हो कि नहीं। तो अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि डेंगू के नाम से घबराएं नहीं आप, क्योंकि जो हमारे जो बाहर में जो हमारे जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है, वो एक हर मरीज़ को कह रहे हैं डेंगू हो गया, तो ऐसा नहीं है। वायरल फीवर है, सामान्य ज़्यादा वायरल फीवर 5 दिन में दवा लेके पैरासीटामॉल की गोली लेके ठीक हो जाता है, तो इसके लिए अननेसेसरी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जरा भी बुखार लगता है, कुछ भी लगता है, जरा सा भी शंका लगता है, तो हमारा चिकित्सालय की इमरजेंसी 24 घंटे चलती है, हमारे यहाँ 8 से 2 OPD चलती है। आप आकर के हमारे फिजिशियंस को दिखा लें, अपना जो रेगुलर ब्लड टेस्ट है उसको करा लिया जाए, ताकि प्लेटलेट्स काउंट वगैरह में जो घबराहट रहती है वो एक रूल आउट हो जाए। अगर डेंगू का बहुत लक्षण लगेगा तो डेंगू का टेस्ट हमारे चिकित्सालय में उपलब्ध है, हम डेंगू की जाँच करते हैं। सर, पर डे कितने मरीज आ रहे हैं डेंगू और वायरल फीवर से? आपको लगता है कि इस समय 50 से 60 के आसपास पेशेंट्स हैं जो कि फीवर के संग में आते हैं, जिनको कि हमको एडमिशन या इस तरह का कुछ देखना पड़ता है। तो इसमें फीवर के भी हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के भी हैं, हर तरह के मरीज़ हैं जिनको हम लोग भर्ती कर रहे हैं। सर, ऐसे में किस चीज़ के लिए सावधानी बरतने के लिए आप कहेंगे? देखिए, डेंगू जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, मच्छर जनित रोग है। तो अभी बाढ़ का पानी उतरा है, अभी बरसात समाप्त हुई है, तो एक बार हमको अपने घरों को ज़रूर जाके देख लेना है कि कहीं किसी जगह पे पानी ना इकट्ठा हो। ज़्यादातर जगह पे जो घर में है वहाँ पे पानी इकट्ठा है, छत पे पुराने बर्तनों में, टायर में और कूलर में पानी पड़ा हुआ, जहाँ पे कि डेंगू के लार्वा हैं और वो डेंगू की बीमारी को फैलाने का हमने खुद निमंत्रण दिया हुआ है। तो इन चीज़ों को तत्काल जाके देख लें। पानी जो है, जो पानी का प्रदूषित हो जाना बाढ़ में बहुत कॉमन होता है, तो पानी हमारा एकदम शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पानी आपका प्रदूषित है तो उसको उबाल करके पिएं। कटे हुए फल या बाजार की चीज़ों को कतई ना खाएं, बासी भोजन कतई ना करें, ये चीज़ें कुछ छोटी सी सावधानी है। और अगर हमको लगता है कि मच्छर वाला एरिया है, तो आप अपना कोई भी मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम हो गई, छोटे बच्चों को मच्छरदानी में के अंदर ही सुलाएं, मच्छरदानी के बाहर ना सुलाएं। अमित कुमार, अभी आप किस बीमारी से जूझ रहे हैं? डेंगू। अब व्यवस्था तो देखिए यही है, अब देख रहे हैं कि हम लोग आए यहाँ पर, रात में आए थे, एक यूनिट हम लोग को मिला यहाँ से फ्री में। ये डॉक्टर है, सिर्फ डॉक्टर एक बार आते हैं अराउंड करने, तो वह मैं आ गया, उसके बाद कोई दिखने वाला नहीं है। और कितने पेशेंट हैं आपके आगे पीछे दिन भर में, आपको क्या लगता है कितने पेशेंट आ रहे हैं? अब तो हम यहीं पर हैं, यहीं पर पीछे 3 पेशेंट आए हैं आज भी नए। जी, मेरा नाम अजीत कुमार राम नाम है जी। इस समय किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं? इस समय ज़्यादातर डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं जी। और दिन भर में कितने पेशेंट हैं? दिन भर में कम से कम नहीं तो मैम 20-22 डेली आ रहे हैं। तो किस तरह का व्यवस्था किया गया है, क्योंकि लगातार जो पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं वायरल और डेंगू के, इससे तो OPD में ज़्यादा भीड़ हो गई होगी, तो किस तरह की सुविधा रखी गई है? मैम देखिए, हम लोग क्या है कि इस हॉस्पिटल में मच्छरदानी से लेके हर चीज़ की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था, और किसी भी बाहरी लोगों को आना है इसमें उचित नहीं है। और मैम इंजेक्शन के द्वारा इन्फेक्शन को हटाने की कोशिश ज़्यादातर हो रही है। किस तरह के लक्षण दिख रहे हैं लोगों को, आप बता दीजिए। किस तरह के लक्षण मैम? जैसे कि ठंडी लगना और घबराहट आना, यही सब लक्षण अधिकतर दिख रहे हैं।
किस तरीके से पेशेंटों का ख्याल रखा जा रहा है और किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं? ये डेंगू के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो पेशेंट डेंगू के पेशेंट को मच्छरदानी लगा दिया जा रहा है, उनको बकायदे बता दिया जा रहा है, समझा दिया जा रहा है कि आप लोग मच्छरदानी लगा के रखिए, पानी के ज़्यादा सेवन करिए और जो दवा है आई एम कुछ लगता नहीं है, सब इंजेक्शन वगैरह आई वी लग रहा है, टैबलेट दे दिया जाता है। फिलहाल तो बदलते मौसम और बारिश की वजह से बहुत सारी बीमारियों ने दस्तक दी है, उसी में डेंगू और वायरल फीवर के मरीज ज़्यादातर देखे जा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस।